व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही रिलीजियस होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी रिलीजन के बारे में बता रही हूँ, मतलब बताने वाली हूँ, जो कि आपकी शायद लाइफ चेंज कर सकता है। मतलब जिसको इंटरेस्ट हो वो तो ज़रूर, उसके तो ज़रूर। तो मैं बात कर रही हूँ सहज योग की। हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे रिलीजन की विच वॉज फाउंडेड बाय निर्मला श्रीवास्तव। और इनको जो है इनके डिवोटीज़ श्री माता जी के नाम से बुलाते हैं, और इनके डिवोटीज़ को सहजयोगी से एड्रेस करते हैं। रिलीजन 1970 में फाउंड हुआ था बाय निर्मला श्रीवास्तव। सहजयोग ना आपको सेल्फ रियलाइजेशन सिखाता है। तो ये बेसिकली आपके अंदर, आपके जो जितना भी अंदर जो चलता है, जैसे आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ भी चीज़ जो आपके साथ, मतलब आपके साथ हुई है, उसके जो आपके ट्रॉमाज हैं, स्ट्रेस हैं, ये सब चीज़ें, कि आप ऐसा करते हैं कि ये चीज़ सब दूर चले जाएँ आपसे, बिल्कुल आपको एक पॉजिटिव इंसान में बदल देता है, प्रॉपर नेगेटिव टू पॉजिटिव। मेनली एक तरीका का ये बहुत सही मेडिटेशन है, और लगभग पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में 140 से ज़्यादा देश में लोग लाइक सहजयोग का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं अभी तक। और इंडिया में 3000 मेडिटेशन सेंटर हैं, इंडिया में 3000 मेडिटेशन सेंटर हैं सहजयोग के। आप सोच रहे होंगे तपसीना के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और अभी जो है मैं उसी के मेडिटेशन सेंटर में हूँ। और मैंने अभी मतलब आधा घंटा मैं यहाँ बैठी हूँ, और मुझे मतलब ऐसा, आपको, आप जब पहला एक्सपीरियंस लोगे ना, अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बोरियत आ रही है ये सो, क्योंकि इनके हर चीज़ का तरीका अलग है। मेडिटेशन, आप लोग नॉर्मली मेडिटेशन को कैसे वो करते हो, जज कैसे करते हो कि बस एक जगह बैठे रहो, आँख बंद कर लो, हाथ यूँ कर लो, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपरली आपको एक्शंस के साथ मेडिटेशन हो रहा है। लाइक यू नो, अगर आपको नेगेटिविटी निकालनी है, जैसे आप एक हाथ आप ज़मीन पे रख रहे हो, समझ रहे हो, आपकी सारी नेगेटिविटी ये जो धरती माँ है वो अपने अंदर ले रही है, एक हाथ आप ऊपर रख रहे हो, कोई ऐसा पूरा एक्शंस के साथ यहाँ पे जो है मेडिटेशन होता है, जो कि मुझे बहुत यूनिक लगा और इंटरेस्टिंग भी। वो इतना पसीना रहा है ना, किसी के साथ कोई की कास्ट के साथ भेदभाव नहीं है सहजयोग में। आप कहीं से भी कर सकते हो, आप चाहे जो भी हो, जो भी कास्ट है आपकी, आप सहजयोग में आ सकते हो। ऊपर से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाओ एक्सपीरियंस लो, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों अच्छा लगा है। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से भी मिलवाऊंगी जिनके लाइफ में सहजयोग ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। तो उनका बिफोर और आफ्टर की हम बात करेंगे, तो वो चीज़ भी आप सुनना या देखना पूरा का पूरा, कि मतलब कैसे लोग बदले हैं सहजयोग की वजह से। क्या पता आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए, जिसको ये चीज़ें चाहिए होती हैं वो इस वीडियो के थ्रू, क्या पता किसी को मिल जाए कि हाँ एक होप होती है वो मिल जाए। तो लेट्स गो, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो सहजयोग में है। आज उन जिनसे मैं आपको मिलाने वाली हूँ, आज उनका बर्थडे है, तो उनके लिए छोटा सा केक भी रखा हुआ है उन्होंने वहाँ पे, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे हो, आरती भी, आरती हो रही है। सहयोग से बिल्कुल यहाँ धान के पायलट में
आज पहली बार एक इंटरव्यू देने का मौका मिला। इसके लिए बनारी जी ने आज हमारा इंटरव्यू लेने आए, हम इनका स्वागत करते हैं सहयोग परिवार की तरफ से। हमसे वैसे भी हम सहयोग में नए हैं, लेकिन ये है कि सहयोग एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जो सिद्ध किया हुआ है, यह हर किसी के लिए, किसी भी वर्ग, किसी भी उम्र के आदमी के लिए बहुत ही जरूरी है, कोई भी इसे कर सकता है। ये चीज़ मैंने भी पढ़ी है कि सहयोग में कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, कोई कास्ट रिलीजन का कोई भेदभाव नहीं है, कोई उम्र का भेदभाव नहीं है। छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक वहाँ पे जो है आ सकते हैं। वहाँ पर रहकर सहजों का मेन मोटिव ये होता है कि सहज सहज का अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ तो आम भाषा में सहज माने आसान होता है, पर हमारे सहयोग की भाषा में सहज माने सह माने साथ, जा माने जन्मा, जो हमारे साथ जन्मा हुआ है। और ये योग का मतलब हुआ आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो जब ये आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है उसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, और ये आत्म साक्षात्कार तब घटित होता है जो हमारे अंदर ही कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसे हम इंग्लिश में डिवाइन पावर कहते हैं। इस शक्ति के जागरण से ही ये हमें आत्म साक्षात्कार चक्र होते हैं हमारे अंदर, उन चक्रों का जब भेदन हो जाता है तब परमात्मा से एकाकारिता हासिल होती है। उसी एकाकारिता को कुंडली में जागरण शक्ति कहते हैं, उसी यही किया जाता है उसमें वो नहीं। नशे के भी हम बहुत आदि थे, लेकिन जब हम सहयोग में आए तो सहयोग में आने के बाद हमारी ये आदतें नशे की, बीड़ी की, हर चीज़ की आदत अपने आप ही टूट गई। एक बार जब हमारा ध्यान लगने लगा तो हमें इस चीज़ की तो आदत भी नहीं बनी, अब हमारी इसकी शराब पीने की, नशा करने की इच्छा भी नहीं होती। तो पहले बहुत शराब पिए हुए, लेकिन हम माँ की कृपा से हमारी गुरु माता है डॉक्टर निर्मला देवी जी, इनके ही आशीर्वाद से आज सहयोग में जमे हुए हैं। आज हमें आप कोऑर्डिनेटर भी बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और इसका फायदा उठाए, लाभ लें। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सहयोग रिलीजन है वो 1970 को फॉर्म हुआ था और निर्मला श्रीवास्तव जी के थ्रू, तो इनके जो डिवोटीज हैं वो इनको श्री माता जी के नाम से इनको एड्रेस करते हैं, और जितने भी श्री माता जी के भक्त हैं इनको सहयोगी कहते हैं। तो ये दूसरों को ऐसे एड्रेस करते हैं, और बेसिकली जब कोई आम इंसान मिलता है तो हाय हेलो बोलेगा, नमस्ते बोलेगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छा तरीका है ग्रीटिंग का, तो हाय हेलो नहीं बोलेंगे, श्री माता जी बोलेंगे हाथ जोड़ के, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो सहयोग में मेडिटेशन होता है तो इसमें ऐसा लाभ भी है कि जैसे आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी बुरे विचार आते हैं, जितना स्ट्रेस है आपका, हाँ ये आती हैं, ये चीज़ें शुरू से भी आती हैं, स्वयं भी होती हैं। इसके लिए हमारे को इसमें बताया गया है कि आपके जो बहन तीन हमारी नारियाँ होती हैं, पीड़ा नारी, पिंडा नारी और सुषुम्ना नारी, मध्य नारी, तो दायरे बाएं की नारियाँ होती हैं, इनका संतुलन करना पड़ता है। तो सुबह हम 5 मिनट दाहिने की नारी और बाएं की नारी का ही संतुलन करते हैं। जब हमारी नारियाँ दोनों संतुलन में आती हैं, मध्य में आ जाती हैं, बाएं नारी होती है हमारी भूतकाल की, दाहिनी नारी होती है हमारी भविष्यकाल की, तो हम भविष्यकाल के बाद में ज़्यादा सोचेंगे तो वो नारी ज़्यादा चलती है, उससे तकलीफें होती हैं, और अगर भूतकाल के ज़्यादा सोचेंगे तो भूतकाल की
नारी चलती है तो उससे हमें और भी बीमारियाँ पैदा होती हैं। इंसान ना भूत के बारे में सोचे ना भूत के बारे में, जो हो गया तो हो गया, जो चला गया चला गया। वर्तमान में अगर हम रहते हैं तो वर्तमान में रहकर आदमी अपने इस समय का सोचता है तो उसके जो है संतुलन बना रहता है, जिस कारण हमारे पे कोई भी किसी भी प्रकार की बुराइयाँ हैं जो दोष हैं वो हम पे अटैक नहीं करते, हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी दोनों नाड़ियाँ संतुलन में हैं। ये हमारे उसके हमें सबसे पहले यही नियम अपने रहने वाले की संतुलन करना। फिर उसके बाद जो चक्रों के अलग होता है, चक्रों के जब हमारी दाहिने बाएं हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, ना हम भूतकाल में रहते ना वर्तमान, तो सेंटर ध्यान मध्य नारी में रख के हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा परमात्मा पे ही लगा रहता है, एक ही तरफ रहता है, दोनों तरफ नहीं जाता, फिर ना भविष्य में ना भूतकाल हम वर्तमान में रहते, उससे इन चीज़ों का हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। किसी को तकलीफ हो जाती है वो इन दोनों नाड़ियों के संतुलन से उसे दूर कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप लोग नॉर्मल मेडिटेशन, सबको पता ही होगा कि जैसे आप मंदिर के बैठ के लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन आप जब सहज योग में आके आपका मेडिटेशन का तरीका देखिए तो वो भी आपको अलग लगेगा। यहाँ पे आप लोग एक्शन से भी मेडिटेशन करते हैं, आप सिर्फ बैठे नहीं रहते, कभी आप धरती माता के हाथ रखेंगे ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी यहाँ से रिलीज हो, कभी आप ऊपर करेंगे ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी यहाँ से रिलीज हो, आप बंधन बांधेंगे, आप ये सब ऐसे जितने भी जेस्चर्स हैं ये सब आपको कैसे अलग लगते हैं? जैसे नॉर्मल भगवान की पूजा करते हैं उसमें लोग सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, भक्ति करते हैं, वो उनका वो है, लेकिन ये जो मेडिटेशन में आप लोग एक्शन करते हैं तो इस चीज़ से क्या आपको फील होता है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी लूज हो रही है? ये जो है या हम सभी मनुष्य का काम क्या होता है कि पांच तत्वों से हमारा ये शरीर बना, धरती जल अग्नि वायु और आकाश। तो हमें अगर कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं कि जिससे हम धरती पे हाथ रखते हैं तो धरती माँ उसे ठोक लेती है, आप नंगे पांव चलो तो धरती माँ आपके सारे जो है जो दोष हैं उनको अपने में ठोक लेती है, आप हाथ को आकाश की ओर करो तो इस हाथ से आपके पूरे जो दोष हैं अंदर के उन्हें आकाश तत्व तो अपने में खींचता है, सामने अग्नि जल ज्वलित रहती है, जो तो दिया जलाया रहता है वो अग्नि भी अपनी ओर हमारे अंदर की सारी बाधाओं को खींचता है, फिर वायु है जल है और हर अपनी अपनी तरफ वो है सबकी, कि इनके माध्यम से हम अपने शरीर को भी शुद्ध करते हैं। इसलिए धरती माँ में हाथ रख के आकाश को साक्षी मान के हम पांच तत्वों को साक्षी मान के चलते हैं। तो सहज योग का इस समय पूरे विश्व में 140 से भी ज़्यादा देशों में मेडिटेशन सेंटर है सहज योग का, और इंडिया में सिर्फ इंडिया ही इंडिया में इसके 3000 सेंटर है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब पूरे देश में लोग हर तरीके से और हर जगह से सहज योग का अनुभव दे सकते हैं, और इसमें यह है कि कोई भी उम्र का कोई भी भेदभाव नहीं है, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े उम्र तक यहाँ पर आके मेडिटेशन कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क, एक रुपये का यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं लिया जाता किसी चीज़ से, सब कुछ निःशुल्क है। और आप सर का पूरा स्टोरी सुन चुके हैं जैसे उनकी लाइफ में चेंज आया, लेकिन अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो सभी स्टोरी सुन चुके हैं उनको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हाँ हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए, आप किसी चीज़ से सर की लाइफ से या अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे, तो मेरा और ऑफकोर्स सर का भी यही कहना होगा कि आप हाँ जरूर इस योग से जरूर जुड़ेंगे, ऐसा रिलीजन है कि आपको हेल्प करेगा, आपको खुद को पहचानने के लिए हेल्प करेगा, आपकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो वापस आएगी, जितना भी आप कुछ आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे सब जितनी सोच है वो आपको लूज़ करने की शक्ति देगी, जितना भी आपका स्ट्रेस करना है एक साथ नहीं लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको टाइम इन चीज़ों को देना पड़ेगा क्योंकि एक चीज़ काम करती है लेकिन थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर आए, सेंट जो एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप एक बार जुड़ गए तो फिर आप दूर होना मुश्किल है, क्योंकि ये हम हर चीज़ हर तरीके से आपकी अच्छाई के लिए ही काम करता है। तो ये चीज़ सर ने भी अभी बताई है कि सर की लाइफ में कैसे चाहिए, मेरे सहज योग वैसे सर 4 साल से जुड़े हैं, और मेरे हिसाब से तो सर की लाइफ में जितना चेंज आया ना वो बहुत ही एक बड़ा चेंज है, लाइक कोई भी आदत छूटना बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी आदत जैसे आपकी कोई आदत होगी अगर आप उसको एक दिन नहीं करेंगे तो आपको लगेगा यार आज नहीं हो पाया, फिर आप कल और दूंगी माता में उस चीज़ को करना चाहेंगे चाहे वो कैसी भी आदत हो, लेकिन अपनी एक आदत छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और ये जो सहयोग के माध्यम
धर्म से सर की लाइफ में थोड़ा चेंज आया, उसके लिए मुझे खुद पर्सनली मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ कि हर कोई एक बंदा सहज योग में आ सकता है अपनी लाइफ सुधारने में। ये चीज़ आप सर के रूप से भी सुन सकते हो क्योंकि सर की लाइफ ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। इसमें कोई भी आ सकता है किसी भी जाति धर्म से, इसमें ये किसी समाज से पूर्ण नहीं है, छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो हर किसी के लिए। और ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे कोई पैसा नहीं लिया जाता और आपको हर समय इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आप संडे को रोजगार में ध्यान केंद्र लगता है ये देवी मंदिर के पास होटल स्कूल में 11 बजे से 12 बजे एक घंटा आप आइए, आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक होगा, हम धन्यवाद करते हैं।